अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अयाज़ हुसैन है। आप मेरा यूट्यूब चैनल अयाज़ हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। दुनिया में वही कौमें अपना वजूद बरकरार रखती हैं और वही कौमें अपना लोहा मनवाती हैं जो अपना दिफा करना जानती हैं, जिनका दिफा मजबूत होता है। 6 सितंबर 1965 को, आज से 57 साल कबल, इंडिया ने एक अहमकाना हरकत की थी। जल्दबाजी में वो एक फैसला कर बैठे थे। अल्लाह जाने उनके जहन में क्या आया कि पाकिस्तानी फौज सोई पड़ी होगी, हम जाकर हमला कर देंगे, मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, सुबह का नाश्ता भी हम वहाँ पर करेंगे। वट सो एवर जो भी उनके दिमाग में आया, और वो जल्दबाजी में एक फ़ैसला कर बैठे पाकिस्तान पर हमला करने का। 6 सितंबर सुबह 3:45 पर वाघा बॉर्डर पर पहला गोला दागा जाता है, जिसकी इतला मिलते ही जनरल अयूब खान रेडियो पाकिस्तान पर आते हैं और अपनी कौम से मुखातिब होकर कहते हैं कि भारत ने बुजदिलाना तौर पर रात की तारीकी में हम पर हमला किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा की गूंज में, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, और तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा के लिए खामोश नहीं कर देते। नाजरीन, इस जंग में कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए थे इस जंग में। 110 सिपाही है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद इनको कमांड कर रहे हैं, और 110 सिपाही हैं उनके साथ। इंडियन ब्रिगेड को उन्होंने 10 घंटों तक रोके रखा और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। एमएम आलम, जो हमारा हीरो कौन नहीं जानता, सिर्फ 1 मिनट, बल्कि इससे भी कम वक्त में, 1 मिनट से भी कम वक्त में इंडिया के 5 तैयारों को उन्होंने मार गिराया था। इसी तरह से और भी कुछ वाकयात मिलते हैं। एक जब सियालकोट पर गोला बारूद शुरू हुआ, सियालकोट में जंग का आगाज़ हुआ, तो वहाँ पर टैंक्स की ज़रूरत पड़ी। जब टैंक्स को लाया गया मैदान में, हमारी फ्रंट लाइन पे जो है हमारे सोल्जर्स खड़े हुए थे, उनके पास कोई गाड़ियाँ टैंक्स नहीं थे, वो इस तरह से पैदल ही थे, जबकि दूसरी तरफ जो है हज़ारों के हिसाब से फ़ौज खड़ी हुई थी इंडिया की, और टैंक्स वगैरह थे उनके पास। पाकिस्तानी आर्मी ये देखकर परेशान हो गई कि अगर हम गोला फेंकते हैं तो ये इंडिया की फ़ौज तक नहीं पहुँचेगा, उससे पहले 3 किलोमीटर पहले गिर जाएगा, क्योंकि रेंज ही नहीं है इतनी। लेकिन अल्लाह पर यकीन रखते हुए पाक आर्मी ने दुश्मन की तरफ जो है तोपों का रुख किया और गोला बारूद शुरू कर दिया फेंकना। नाकाबिले यकीन तौर पर 3 मिनट के बाद वायरलेस पर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लग गई और एक खुशी का समा पैदा हो गया। ये मैसेज दिया गया, जो हमारी फ्रंट लाइन फौज खड़ी हुई थी, उन्होंने मैसेज दिया कि जो आप लोग गोले फेंक रहे हैं वो दुश्मन के बीचों बीच गिर रहे हैं, उनके टैंक्स को तबाह कर रहे हैं, उनकी सफ़ों में कुलबली मचा रहे हैं। एक इंडियन पायलट को भेजा जाता है एक मिशन देकर के दरियाए रावी पर जाना है और वहाँ पर एक पुल है, उसको तबाह करना है। वो इंडियन पायलट जो है वहाँ से रवाना होता है, लेकिन वो पुल को तबाह नहीं कर सकता और उसका जहाज़ जो है वो क्रैश हो जाता है और उसको ज़िंदा पकड़ लिया जाता है। फिर उससे जब तफ्तीश हुई और पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं पुल को तबाह किया, वो कहता है कि जब मुझे भेजा गया, मुझे एक पुल का बताया गया था, यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो 6 पुल थे यहाँ पर, मैंने किस पुल को हिट करना है ये मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था इस बारे में कि मुझे एक पुल का वह उन्होंने कहकर भेजा और यहाँ पर तो 6 पुल मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान में मेरा जहाज़ क्रैश हुआ और मैं गिर गया। नाजरीन, ये वो वाकयात हैं जो ये साबित करते हैं कि इस जंग में यकीनी तौर पर अल्लाह की मदद और नुसरत पाकिस्तान के साथ थी। जो इंडियन फौजियों को, जो इंडिया के जो फौजी जिनको कैद कर लिया गया था, वो बार बार ये पाकिस्तान की फ़ौज से पूछ रहे थे कि तुम्हारी वो फ़ौज कौन है, वो कहाँ से तुम्हारी फ़ौज आई है जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और जिनकी तलवारों से शोले निकल रहे थे, आग निकल रही थी जिनकी तलवारों से। ये इशारा जाता है ग़ज़वा बदर की तरफ, जो अल्लाह पाक ने वादा किया था अपने हबीब से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि ऐ महबूब, आप साबित कदमी से लड़ें और यकीन मोहकम होकर लड़ें, तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा, हम फरिश्ते उतारेंगे आपकी मदद के लिए। तो उलमा ने भी लिखा, किताबों में ये लिखा गया, अखबारों में, उस वक़्त के अखबारों में ये जो है सुर्खियाँ बनी थी कि इस जंग में बाकायदा फरिश्ते उतरे थे और इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की इमदाद की थी। नाजरीन, इंडिया का जो ये अहमकाना फ़ैसला है, उसको बहुत बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा इसका। एक छोटी सी गलती उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा गई। काश इंडिया ने हमारे बारे में कुछ पढ़ा होता, कुछ हमारी तारीख पढ़ी होती और फिर फैसला किया होता कि हम कौन हैं। हम उन 313 में से हैं जिन्होंने
1000 के लश्कर से मुकाबला किया था। वो 313 जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 300 घोड़े रखने वाली फौज से उन्होंने मुकाबला किया था। हमारे कंधों पर उन 313 का हाथ था जिनके पास सिर्फ 70 ऊंट थे जबकि उनके दुश्मन के पास 700 ऊंट थे। वो 313 वाला जज्बा था हमारे अंदर। जिन 313 के पास सिर्फ 8 तलवारें थीं और 6 उनके पास हिफाजती जैकेट्स थीं जो जंग के दौरान तीर वगैरह से बचने के लिए और तलवारों से बचने के लिए पहनी जाती हैं, जबकि दुश्मन के पास बेतहाशा घोड़े थे, बेतहाशा उनके पास तलवारें और जंगी साजो सामान था। काश इंडिया ने हमारे बारे में कुछ पढ़ा होता तो आज उसका काला हाथी उसके पास खड़ा होता। ये काला हाथी मैंने क्यों लफ्ज़ यूज़ किया इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नाज़रीन हौसला अफजाई के लिए आपसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।